गुड इवनिंग प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं लेकर के आया हूँ आज 18 जून 2021 का करंट अफेयर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन छात्रों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें रोजाना रात 9:30 बजे करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिएगा देखते हैं आज के करंट अफेयर्स किस तरीके से हैं। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो इसका सही उत्तर है अरुणा तंवर। अरुणा तंवर को क्या बनाया गया है? ताइक्वांडो ओलंपिक पैरा ओलंपिक टोक्यो का जो हुआ है पैरा ओलंपिक, उसमें ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है अरुणा तंवर। ठीक है, कौन बनी है? अरुणा तंवर। ये देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक हस्ताक्षर किया है? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक हस्ताक्षर किया है? जो कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो मुक्त व्यापार समझौते पर इस प्रकार का हस्ताक्षर हुआ है। ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा सेंटेंस हो गया इधर उधर, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते पर यूनाइटेड किंगडम से 15 जून 2021 को हस्ताक्षर कर चुका है। ध्यान रखिएगा, बैंक के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है? बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई ये, और ये मेरे फ्रेंड की कंट्री न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये न्यूजीलैंड में है, लकड़ी से बना उपग्रह पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कुछ जो लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लाइव भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे बाद में भी आप इस क्लास को पर डे देख सकते हैं, रोजाना शाम रात में 9:30 बजे जो है ना की जाती है। और चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में नीचे। ठीक है, आपको वैसे बताना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है 17 जून। ठीक है, कल मनाया गया था विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 17 जून। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा ऐसा भारतीय पहलवान है जिसने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो विनेश फोगाट ने जीता है। ठीक है, पोलैंड ओपन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? बहुत फेमस नाम है ये। ठीक है, सत्या नडेला को किया गया। भारतीय मूल के हैं ये अमेरिकी नागरिक जिनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बैंक के पर्पज से भी और उत्तराखंड समूह के पर्पज से भी, या आप कोई और वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसके पर्पज से भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत छांट के बनाए जाते हैं आपके ये लाइनें यहाँ पर।
ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, नाटो का, तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, ये बेल्जियम में पड़ता है, ब्रुसेल्स जगह, वहां पे 31वां। कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है कि नाटो का कौन सा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है हाल ही में 2021 में, तो 31वां उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, ये बड़ा आपको लगेगा अटपटा सा, कुछ लोगों ने पहली बार भी सुना होगा, लेकिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आ जाए किसी पेपर में। ठीक है, इसलिए ये लाइन लगा दी है मैंने। इंटरनेशनल लेवल पर है ये, इंटरनेशनल पारिवारिक प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। ठीक है, इसके लिए चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने मुफ्त में दवाइयाँ देने की, बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा दवाइयों को मुफ्त में बांटने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है? तो आयुध विनिर्माणी बोर्ड है ऐसा। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड का पुनर्गठन जो है कि को मंजूरी दी है, 200 साल पुराने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इतनी पुरानी जो है ना मंजूरियां नहीं होती हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट की ओर। हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी खिलाड़ी बने हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की घोषणा की है। ठीक है, कितना, 5 लाख। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कितना, 5 लाख। ठीक है, चलिएगा इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, 2 पॉइंट और बचते हैं हमारे। हाँ, मैंने थोड़े से 4 पॉइंट आज बढ़ा दिए हैं, 10 पर डे हो रहे थे, आज मैंने बढ़ा दिए और। ठीक है, हाल ही में WHO, देखिएगा आप लोग जितना मेरा साथ देते चलेंगे, जितना लाइक और शेयर करते चलेंगे वीडियोस को, उतना ही ये आपका कंटेंट भी बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादा काम होगा इन चीज़ों पर। ठीक है, तो आप प्लीज़ शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को इन इस वीडियो को। चलिएगा देख लेते हैं 13 पॉइंट। हाल ही में WHO तकनीकी सलाहकार समूहों के मानद सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिक कट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है सरला विद्या नगला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सरला नगला विद्या को अमेरिका में अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे 14 पॉइंट्स पसंद आए होंगे आज के। आगे भी इसी तरीके के अच्छे से पॉइंट मैं अपनी करंट अफेयर्स की रात 9:30 बजे वाली क्लास में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँची पहुँचाई जा सके। धन्यवाद।